दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। आज ही के दिन देश अपना 73वां गणतंत्र दिन मना रहा है। देश भर में तिरंगे को लोगों ने सलामी दी है। आज हमारे साथ मुंबई आईपीएस रेलवे कमिश्नर जी की मौजूदगी है। आज यहाँ पर बड़ी अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था संस्था पासवान अदब द्वारा। चर्चा करेंगे उन्हीं से, अहम भूमिकाएं निभाते नज़र आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह आज कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया? मैं समझता हूँ कि इस देश में जो संविधान है उसमें एक जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी के कई मतलब हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इक्वलिटी में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आती है। बदकिस्मती से वो बच्चे जो किसी वजह से अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, जिनको हम रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद भी उनका कुछ पता नहीं चलता है कि उनके पेरेंट्स किधर हैं, उनके गार्जियन किधर हैं, और हमें उनको फिर ये गवर्नमेंट का जो हॉस्टल है, जो आपने डोंगरी चिल्ड्रंस होम आज देखा, वहाँ पर रखा हुआ है। या फिर एक वो कैटेगरी है जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ऐसे चिल्ड्रन जिनसे के जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं जो कि क्रिमिनल नेचर की होती हैं, लेकिन उनको सुधार के लिए हम रखते हैं, ये भी चिल्ड्रन होम में है। तो इनके साथ आज ये प्रोग्राम था और आपने देखा कि हमने उनके एजुकेशन पे बात की। एजुकेशन उनको लेने के लिए सुलभ हो उसके लिए हमने उनको स्कूल बैग और कुछ एजुकेशनल मटेरियल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है कई संस्थाओं के साथ मिल करके। जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक वो इस मोल्ड से आगे नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ समस्याएँ हैं, उस बारे में भी चर्चा हुई है सुब्रेंड साहब से। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमको देश को आगे लेके जाना है तो देश के हर नागरिक को कैपेबल बनाना पड़ेगा, और ख़ासतौर से जो पीछे छूट रहे हैं उनको तो सशक्त बनाकर उनको देश की जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी और मैं एनजीओ के माध्यम से भी यही काम बरसों से करता आया हूँ कि एक शासन की तरफ से पैगाम जाता है, साथ ही साथ फील्ड पर जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो पैगाम जो री इन्फोर्स हो जाता है, वो बात, वो संदेश री इन्फोर्स हो जाता है। गवर्नमेंट लोगों के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है, गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन उसी के साथ समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, अगर वो भी सामने आएँ और गवर्नमेंट के इस काम में हाथ बटाएं, उसमें ज़रा जुड़ जाएं, तो काम और इफ़ेक्टिवली हो सकता है। आप देखते हैं कि इस किस्म की जो संस्थाएँ हैं इस पर समाज का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, तो इसीलिए हमने ख़ासतौर से इसको चुना आज। और आज यहाँ करीब 110 बच्चों को जो एजुकेशन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। अनन्य बच्चों की बातें चल रही हैं सर, जिस तरह देश के कई कोनों से खबरें आती हैं, बच्चों पर अत्याचार होते नज़र आते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी हम भी बच्चे थे और हमने भी बहुत सारा चीज़ फेस किया है, देखा है, और हमारे भी बच्चे हैं। अगर जिन सिचुएशंस हम गुजरे, जिन परेशानियों से, जिन तकलीफ़ों से, जिन थ्रेट्स से, जिन चैलेंजेस से, और जिस किस्म की ह्यूमिलिएशन से या क्राइम अगेंस्ट डिग्निटी से हम गुजरे, वैसा ये बच्चे नहीं गुजरना चाहिए। हमें समाज के एक सुजान नागरिक की हैसियत से ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी हमसे आसान हो, ईजी हो, और वो अपने गोल, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। ये बच्चे बदकिस्मती से एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, ऐसे वक्त में उनकी हैंड होल्डिंग करना, उनको गाइड करना, उनको मदद करना, मैं समझता हूँ कि हमारी एक प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 26 जनवरी का दिन है, संविधान लागू किया गया था आज के दिन, जिस तरह देश आज़ाद हुआ था, बलिदान दिया था जाबाज सिपाहियों ने, आप भी सेवा में हैं और सेवा करते नज़र आते हैं, किन शब्दों में याद करेंगे उन बलिदान देने वाले जाबाज सिपाहियों को और संदेश क्या देना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, जैसा कि बड़े लोगों ने कहा है कि एटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ फ्रीडम, कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम अगर बनाए रखना है, बचा के रखना है, तो उसके लिए हमेशा आपको सजग रहना पड़ेगा, और सजग जब आप रहते हैं तो आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं आप उसको फेस करते हैं। और बहुत बार और हर साल सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में पुलिसकर्मी, सेना के लोग, नीम जो लश्करी दल है उनके लोग, और इवन आम सिविलियन अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं,
औरों की जान बचाने के लिए, औरों की तकलीफ़ कम करने के लिए, औरों के दुख को ख़त्म करने के लिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या होनी ज़रूरी है जो अपने से पहले दूसरों का हित रखें। हम पुलिस में हैं, हम अपने से पहले दूसरों का हित रखते हैं, हम अपनी सुरक्षा से पहले उनकी सुरक्षा देखते हैं, हम अपने जान माल और इज़्ज़त की सुरक्षा से पहले लोगों की जान माल और इज़्ज़त की सुरक्षा को रखते हैं, तभी हम सर्विस दे पाते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, उनको आज याद करता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं यही समाज को बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। देश के सामने जो आज अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में हम सबको सजग रहना है। जो लोग एक्टिव ड्यूटी में उनको सपोर्ट करना है समाज का काम है, और जो समाज में लोग हैं अभी तक एक्टिव ड्यूटी में नहीं आए हैं वो सपना देखें कि वो देश सेवा में आ सकें, वो देश के अलग अलग फोर्सेस को ज्वाइन करें और वहाँ पे एक अच्छा काम करके पब्लिक सर्विस का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो संदेश यही है, पासवान अदब संस्था द्वारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। एसटीवी न्यूज़ के लिए मुंबई से नियाज अहमद खान की ये रिपोर्ट। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।